हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर एंड आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आर्टिकल। बच्चों, हम बात करेंगे कि आर्टिकल होता क्या है। तो आर्टिकल में ए, एन एवं द को आर्टिकल कहते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। ये एडजेक्टिव है, इनको मॉडर्न ग्रामर में डिटरमाइन भी कहते हैं। तो बच्चों, हम बात करने वाले हैं आर्टिकल। बेटा, आर्टिकल ए एन द को हम आर्टिकल कहते हैं। ये हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन ये मेन होते क्या हैं, इनको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, इनको मॉडर्न ग्रामर में क्या बोलते हैं, डिटरमाइंस। तो यहाँ पर ये डिटरमाइंस वर्ड यूज़ किया गया, इसका मीन्स क्या होता है कि डिटरमाइंस होता है, आर्टिकल बताता है कि अगर कोई नाउन है तो वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट नाउन है। तो आर्टिकल को हम दो भागों में पढ़ेंगे, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट में आता है आपका ए एन और डेफिनेट में आता है बेटा आपका द। हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन को प्रयोग किसी भी नाउन की पोजीशन को इनडेफिनेट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। इसका मीन्स ये होता है बच्चों कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और ए एन का जो हम यूज़ करते हैं, वो किसी भी नाउन की जो पोजीशन बताता है उसको वो अनसर्टेन करता है, यानी अनिश्चित बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है आपका आई सो एन ओल्ड मैन। तो बच्चों, यहाँ पे बताया गया कि मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, बट किस बूढ़े आदमी को देखा, यहाँ पर ये चीज़ आपकी निश्चित नहीं की गई है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका देयर वॉज ए लॉयन, वहाँ एक शेर था। ठीक है, तो बेटा इसमें ये नहीं बताया कि वहाँ, केवल ये बताया गया शेर था, लेकिन ये निश्चित नहीं किया गया कि वहाँ पर कौन सा शेर था। तो ये क्या है, ये आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी द का यूज़ किसी भी नाउन के पोजिशन को निश्चित यानी सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हम अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो यहाँ बताया गया है द कॉलेज इन विच आई स्टडी नाउ, यह वही कॉलेज है जहाँ पर मैं अब पढ़ता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस इज द मोबाइल विच आई हैव परचेज, यह वही मोबाइल है जिसको मैंने अभी खरीदा है, या मैं बोलूँ दिस इज द पेन विच आई हैव परचेज टुडे। तो बच्चों, ये वही पेन है जिसको मैंने आज खरीदा है। तो कई बार बच्चों कन्फ्यूजन होता है कि हम द को दी पढ़ें या द पढ़ें। तो इसके बारे में ये नोट है छोटा सा, कंसोनेंट इन स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, जबकि अगर वोवल स्टार्टिंग नाउन से पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। बच्चों, जब हम कोई भी जो हमारी नाउन होती है, नाउन क्या होता है, नाउन में हम बात करें तो किसी भी पर्सन प्लेस और थिंग को जो डेनोट करता है उसको हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ क्या बोला इसने, कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या होते हैं कि जो हमारी जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं वर्णमाला में इंग्लिश में, तो पांच क्या होते हैं बच्चों, हमारे वोवल्स होते हैं और 21 हमारे कंसोनेंट होते हैं। तो इसने बोला है कंसोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से पहले। जैसे हम बात करें ट्री, ट्री क्या है, उसे हम अगर उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं तो उसे द ट्री बोलेंगे, लेकिन जब इसने बोला है वोवल स्टार्टिंग नाउन के पहले अगर, जैसे द अम्ब्रेला, तो द अम्ब्रेला नहीं, उसे हम क्या पढ़ेंगे, दी अम्ब्रेला पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये तो था आपका बेसिक आर्टिकल के बारे में कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ ए एंड एन, यानी कि हम ए का कब यूज़ करते हैं और एन का यूज हम कब करते हैं। तो बच्चों, मैंने इनको जो भी मेन टॉपिक हैं उनको मैंने रूल के द्वारा बताया गया कि ये फर्स्ट रूल है आपका, यदि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो द फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ड जैसे क ख ग से मिलता जुलता हो अर्थात कंसोनेंट हो तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। इसका मीन्स ये होता है बेटा कि जब हम कोई भी वर्ड है, जैसे आपका कैट है, हमने एग्जाम्पल में लिया है कैट, कैट में क्या बोलते हैं, ये सी से स्टार्ट हुआ है और अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, ये कंसोनेंट होता है, लेकिन कंसोनेंट हो लेकिन फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन वर्ड, व्यंजन जैसे क ख क से लेकर के और ग्या ग्यानी तक आपके व्यंजन होते हैं और छोटे आ से लेकर के अंत तक आपके स्वर होते हैं,
तो अगर हम किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है यानी पांच वॉवल्स को छोड़ने के बाद जो 21 होते हैं उनमें से अगर किसी से भी स्टार्ट होता है और उसमें से हिंदी के व्यंजन की वर्ण की आवाज़ आती है, अगर पहला वर्ड जो मिलता है तो वहाँ पर बच्चों हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है ए कैट, बेटा यहाँ पर हमने कैट के आगे ए क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है सी ए टी, सी ए टी मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट वर्ड किससे आ रहा है कंसोनेंट है। तो मैंने क्या बोला, अगर अब इसका हम प्रोनाउंस करके देखते हैं अगर हिंदी में, तो इसको हम कैट ऐसे लिखते हैं, यानी कि जो भी आपका फर्स्ट लेटर है वो किससे मिल रहा है, हिंदी के व्यंजन से। ऐसे ही ए बैट, ए फैन, ए बेंच, ए चेयर, तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नेक्स्ट सेकंड रूल इज, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कंसोनेंट हो तथा फर्स्ट राउंड हिंदी के स्वर अ से लेकर अंत आ ई से अगर मिलता जुलता है तो अर्थात वोवेल हो, तो वहाँ पर ए एन का यूज हम करते हैं। बेटा इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी वर्ड है, जैसे आपका हमने एग्जाम्पल लिया है एन ऑनेस्ट मैन, बेटा केवल अगर हम ऑनेस्ट मैन की बात करें तो यहाँ पर एच किससे स्टार्ट हुआ है, कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर इसका हम हिंदी में अगर प्रोनाउंस करके देखते हैं तो ऑनेस्ट को हम ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट। तो यहाँ ऑनेस्ट में किसका वर्ड आवाज़ किसका साउंड किसका आ रहा है, हिंदी के स्वर का। तो मैंने क्या बोला, अगर स्वर की आवाज़ आती है तो पहला वर्ड उसके सामने हम क्या यूज़ करेंगे, ए एन लगाएंगे। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एन एयर, एयर में किसकी आवाज़ आ रही है, एयर की। ऑनर तो अ का साउंड आ रहा है आगे। एम एम ए, अगर एम ए को लिखें तो एम ए ऐसे लिखते हैं तो ए का साउंड आ रहा है, यानी कि हिंदी के स्वर का आ रहा है। ऐसे एम एल ए आपका एन सी सी ए, एक्सरे मशीन, एन एल पी कॉलेज, एच एच एम टी वॉच। तो बच्चों यहाँ पर एच एम टी है तो एच एम टी को हम कैसे लिखते हैं, एच एम और टी। तो एच का किसका साउंड आ रहा है, हिंदी के स्वरों का मिलता हुआ। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, एन यूज़ करेंगे। थर्ड रूल इज, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वोवेल हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी स्वर की स्वर से आए। यानी देखो कितना यहाँ पर मैंने क्लियरली बता दिया है कि अगर कोई भी वर्ड है वोवेल से स्टार्ट होता है और उसका साउंड भी किससे आता है, हिंदी के स्वर से मिलता जुलता है। यानी कि अगर हम बात करें अ ई से मिले जुले, तो वहाँ पर बेटा हम एन का यूज़ करते हैं, यानी ए एन का यूज़ करेंगे। जैसे एन अम्ब्रेला, अगर हम अम्ब्रा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें एक्सरसाइज की बात करें तो एक्स्ट्रा साइज, एक्सरसाइज को इस तरीके से लिखते हो आप, ठीक है। अगर हम ऑक्स की बात करें तो ऑक्स को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर मैंने बोला है कि अगर वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमको सिर्फ यही बताया गया था कि जो ए आई यू होते हैं वोवेल से स्टार्ट होते हैं उनके आगे एल लगा देना, बाकी आगे ए लगाते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिनका भी अगर हिंदी स्वर से मिल रहा है तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अगली वुमेन, एन इंडियन, एन ऑक्स, एन ऑक्स। नेक्स्ट रूल इज, किसी वर्ड की शुरुआत का फर्स्ट लेटर वोवेल हो और साउंड हिंदी वर्ड की कंसोनेंट है। बेटा देखो यहाँ बात की है इसने कि अगर कोई भी वर्ड की शुरुआत किससे हो रही है आपकी, भले ही अंग्रेजी के आपके वोवेल से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन उसका अगर हम हिंदी प्रोनाउंस करते हैं, यानी उसका अगर हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण में क्या मिलता है हमें, हिंदी के व्यंजन मिलते हैं इस तरीके से क ख ग, तो वहाँ पर बेटा हम ए का यूज करते हैं। जैसे एन यूरोपियन, एन यूनिवर्सिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी को लिखते हैं तो या यक बनता है, यानी तो वहाँ पर यक का साउंड आ रहा है। एन यूनिफॉर्म में यक आ रहा है। एन एंटिल्स, एन अनफॉर्मेशन, एन अनमोशन डिसीजन, ए वन आइड वोन, ए वन साइड गैम, एन येलो शर्ट, एन ईयर, ए वन टिकट, ए वन रुपीज नोट, ए यूजफुल काव, ए यूनिट, ए यूनियन। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ है, भले ही वर्ड आपके वोवेल से स्टार्ट हुए लेकिन साउंड किसका आ रहा है आपका, अगर उच्चारण करते हो फर्स्ट वर्ड का तो कंसोनेंट, तो इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर ए का यूज़ किया है हमने, ध्यान रखना है इस बात का। बेटा आगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, ए या एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेज होते हैं। फ्रेज क्या होते हैं बेटा, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसमें जैसे बताया गया ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए पेयर ऑफ,
ए असेंबली ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए चेयर ऑफ। तो बेटे एक तरीके से कलेक्टिव नाउन भी बोल सकते हैं इनको हम। तो ये फ्रेजेस होते हैं, इन फ्रेजेस में हम किसका यूज करते हैं, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 6, ए का प्रयोग अगर संख्या, नंबर और मात्रा यानी नंबर और क्वांटिटी का बोध कराने वाले एक्सप्रेशंस में होता है। यानी बेटा अगर हम बात करें ए का, अगर हम यूज़ किसी यूज से अगर हमें पता चलता है ये किसी नंबर और किसी मात्रा के बारे में बोध करा रहा है, उसे एक्सप्रेशन हो रहा है, उसे हमें ऐसा लगता है कि भाई ए के यूज से हमें नंबर और क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है, तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें ए लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा होता है, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए डील ऑफ बहुत ज़्यादा बड़ी, ए लार्ज नंबर बहुत बड़े नंबरों में, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड डील ऑफ। बेटा यहाँ से इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है कि भाई ये किसी बहुत बड़ी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल इज यद किसी प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन की तरह होता है, यानी अगर बेटा अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज डेनोट फॉर ए प्रॉपर पर्सन प्लेस और थिंग। अगर उसके कॉमन की बात करें तो कॉमन नाउन भी सेम होता है, कॉमन नाउन इज डेनोट नाउन इज कॉमन नाउन इज विच डेनोट कॉमन प्लेस पर्सन और थिंग का प्रॉपर नाउन से पहले अगर यूज किया जाता है तो वहाँ पर ए एन का यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें ही इज ए कालिदास, बेटा यहाँ पर कालिदास क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन क्या ये कॉमन नाउन की तरह बोल दिया गया है, ही इज ए कालिदास, वो कालिदास है, यू आर ए तेंदुलकर, ही इज ए देनकर, ठीक है। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में, अगर किसी को कोई परेशानी आती है किसी भी रूल को कुछ समझने में तो मैंने वहाँ पर उसमें वेबसाइट के बारे में दिया गया, टेलीग्राम चैनल भी है आपका, उसमें ऐप भी पेज भी है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट रूल इज यदि टू एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त हों और उनमें से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो फर्स्ट यानी कि पहले एडजेक्टिव से पहले ए या फिर ए एन में से किसी एक का यूज करते हैं। जैसे बेटा अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं से हमें समझ में आएगा, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, बेटा यहाँ पर बात की गई है एक काला और एक सफ़ेद कुत्ता, यानी कि वही कुत्ता काला है और वही एक सफ़ेद कुत्ता। जैसे एन ऑनेस्ट एंड गुड टीचर, वही एक टीचर जो सच्चा है और एक अच्छा है, ठीक है। ए रेड एंड ब्लैक काउ, वही गाय जो काली भी है और लाल भी है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ए टेल एंड हैंडसम बॉय, एक लड़का है जो कि टेल है और एक हैंडसम है, मतलब ये एक की बात की जा रही है यहाँ पर। या दो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या बता रहा है बेटा आपको, हैंडसम टेल, ये रेड ब्लैक गुड ऑनेस्ट ब्लैक वाइट, ये क्या बेटा एडजेक्टिव है जो क्या बताते हैं हमें नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटी बताते हैं। जैसे डॉग है कैसा है, वाइट है, टीचर कैसे है गुड है, काउ कैसी है ब्लैक है, बॉय कैसा है हैंडसम है यहाँ पर। तो इससे क्या बेटा ये एक के बारे में हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम ए का और उसके अकॉर्डिंग ऑनेस्ट है तो किसका साउंड आ रहा है, हिंदी के स्वरों के हिसाब से, तो यहाँ पर हमने एन लगा दिया। यहाँ पर अगर कंसोनेंट यानी व्यंजन की साउंड आ रहा है रेड में तो हमने यहाँ पर ए यूज कर दिया है। नेक्स्ट टूल इज यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज डिफरेंट पर्सन हो तथा उनको अलग अलग दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों का बोध होता है तो प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। बेटे यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर अगर दो एडजेक्टिव हैं और वे किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले प्रयुक्त किए गए हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ए ब्लैक एंड ए वाइट शर्ट, बेटे यहाँ बात की जा रही है कि एक ब्लैक शर्ट है और एक वाइट शर्ट है। जैसे कि एन ऑनेस्ट एंड एन इंटेलिजेंट टीचर, बेटा यहाँ पर दो लोगों की बात की जा रही है, एक वो जो ईमानदार है एंड और दूसरा जो
बुद्धिमान टीचर है, ए रेड एंड ए ब्लैक जींस, यानी एक जो लाल जींस है और एक काली वाली जींस है। एंड ए टेल एंड ए ऑनेस्ट सॉरी हैंडसम बॉय। तो यहाँ पर एक क्या बोला गया, यहाँ पर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर काउंट किया गया। तो यहाँ पर हम ए और ए एन का यूज हम उसके कंसोनेंट और वॉवल्स के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल इज, यदि एन से जुड़े दो सिंगुलर नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो फर्स्ट लेटर सिंगुलर नाउन के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। यानी कि वही बात कर रहे हैं हम, ए इंडेफिनेट आर्टिकल से मीन्स क्या होता है बेटा, ए और ए एन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे एक क्लर्क एंड कैशियर, एक ही व्यक्ति है जो एन से जुड़ा हुआ है लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है इससे, क्या है यानी कि एक ही व्यक्ति जो क्लर्क भी है और एक वो कैशियर भी है। एन अंकल, यानी कि जो अंकल है वही मेरे क्या है, गार्जियंस है मेरे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट रूल इज, ए एन का प्रयोग निम्न फ्रेजेज में होता है बेटा। कुछ फ्रेजेज होते हैं जैसे मैंने बताया था, इन टेम्पर, इन मूड, इन टैलमा, इज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एट द कॉस्ट, इन ए रोल, इन ए हरी, इन ए रेंज। तो ये कुछ और भी हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ पर मैंने जितने भी फ्रेजेज होते हैं कोशिश किए कि उन सबको मैं यहाँ पर लिख दूँ। एट ए लॉस, ए शॉर्ट टाइम अगो, ए लव ऑफ, आफ्टर डिले ऑफ, कैच ए कोल्ड, हैव ए हेडसेक, हेडचेक, हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव ए फैन, हैव ए कॉट, इन ए फिक्स, हैव ए रेस्ट, हैव ए स्लीप, हैव एन इंटरेस्ट इन, की प्रॉमिस, मेक ए डील विद, मेक ए नॉइस, एट ए डिस्काउंट, हैव ए सन। गाइस तो इस तरीके से आप देख लीजिए इनको एक बार, जब हम फ्रीजेस की वीडियो बनाएंगे तो आप इनका मीन्स जो कुछ भी होता है उनको यूज करके आपको बताया जाएगा। गाइस नेक्स्ट रूल इज, ए एन का यूज काउंटिंग एक्सप्रेसिव वर्ड यानी यूनिट सूचक या इकाई से पहले किया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया बेटा, आई हैव ए डजन एग्स, मैं क्या, मेरे पास क्या है, एक दर्जन। तो बेटा जो डजन होता है ना, ये यूज किया था किससे, क्या बता रहा है, ये यूनिट होती है आपकी, यूनिट क्या होती है, मात्रक होते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। और यहाँ से इसे दर्जन से किसका बोध हो रहा है, एक हमें क्वांटिटी का पता चल रहा है और एक ये यूनिट की तरह यूज किया गया, तो यहाँ पर हमने ए का यूज कर दिया गया है। तो नेक्स्ट, और इसमें नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैव ए 100 रुपीस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बताया गया जो 100 होता है उसमें कितने होते हैं, 100 रुपये होते हैं, और उनका क्या है, यहाँ पर इसने बोल दिया आई हैव ए 100 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट बोला इसने 1 1/2 किलो, उसको किलो बोझते हैं, और 1 किलो एंड 1/2, उसको ए किलो बोलते हैं। नेक्स्ट टूल इज अनकाउंटेबल नाउन का यूज, काउंटेबल नाउन की तरह अगर हो तो वहां पर भी बेटा हम ए और एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ये यूसीएन का मीन्स होता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन, और एस सी एन का यू होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बेटा यहाँ पर बात की है, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, यदि वही दीवार है जो पत्थरों की बनी हुई है, यानी यहाँ हमें किससे यूज किया जा रहा है बेटा, ये काउंटेबल हो गई है, वो पत्थर क्या है, अब काउंट हो चुके हैं, ठीक है। सी थ्रो ए स्टोन एट मी, उसने मेरे ऊपर पत्थर फेंका, ठीक है। यहाँ बात कर रहा था, उसने अनकाउंटेबल नाउन को क्या कर दिया था, यूज किया गया था यहाँ पर, और इसने यहाँ पर स्टोन की बात की, इसे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, एक स्टोन फेंका उसने मेरे ऊपर, लेकिन यहाँ बोला दिस वॉज मेड ऑफ स्टोन, बहुत सारे पत्थरों की, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया था, ठीक है। इसमें बोला है सी हैज ब्यूटी, वो सुंदरता है या वो बहुत सुंदर है, तो बेटा यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन यूज किया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ बोला है सी इज ए ब्यूटी, वो काउंटेबल नाउन हो गया, वो सुंदर है, तो बेटा यहाँ पर हमने ए का यूज कर दिया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ए स्टोन के साथ हमने ए का यूज किया है आर्टिकल का। नेक्स्ट टूल इज प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन में बनाने के लिए भी ए एन का यूज हम कर सकते हैं, यानी इसका मीन्स होता है बेटा कि अगर कोई प्लूरल नाउन है और उसको हमें अगर सिंगुलर नाउन बनाना होता है तो वहाँ पर भी हम
एंड ए एन का यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें बोला है फाइव डेज जर्नी, 5 दिनों की यात्रा, यानी ये क्या बेटा प्लुरल बताया गया कि 5 दिन, लेकिन इसमें बोला ए फाइव डेज, ए फाइव यानी 5 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग बता दिया गया, जैसे 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय प्लान, लेकिन ए फाइव यानी एक 5 वर्ष का प्लान, ठीक है, यानी 5 वर्ष के एक एक साल के 5 प्लान, ठीक है। नेक्स्ट टूल इज बेटा, अगर हमने ये तो यहाँ तक सीखा था कि हम ए और एन का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो भी हम जो हम अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सेप्शन केस होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि नो यूज ऑफ, बेटा कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जहाँ पर कंडीशन होती है जहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल है इसी में, लेकिन ये काउंटिंग होता है, तो रूल नंबर 15 है यहाँ पर ही हमारा। इसमें बोला गया ए और एन का यूज़ प्रॉपर नाउन से पहले नहीं होता है। बेटा यहाँ प्रॉपर नाउन क्या है आपका, जैसे मैंने बोला है वी लिव इन यूपी, हम यूपी में रहते हैं, तो यूपी क्या बेटा एक प्रॉपर नाउन है, यानी प्रॉपर प्लेस है, ठीक है। जैसे एमपी होता, तो यहाँ पर अगर कहीं भी प्रॉपर नाउन होता है तो उसके सामने हम आर्टिकल यानी ए और एन का यूज हम नहीं करते। एंड नेक्स्ट टूल इज ए एंड एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाता। अनकाउंटेबल नाउन बेटा आप जानते हो, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होती हैं। इसने बोला है कोयला, ऑयल, न्यूज़, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, कॉलेज, सॉरी कॉफ़ी, घी, डस्ट, एडवाइस, पेट्रोल, मिल, फर्नीचर, लगेज, पोइट्री, टी, राइस, सीनरी। तो बेटा ये इसमें बताया गया कि जो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होती है उससे पहले हम जो नाउन होता है उससे पहले हम ए एन का यूज नहीं कर सकते। अब न्यूज़ की बोला है इसने, न्यूज़ कितनी न्यूज़ है भाई, कुछ फिक्स है नहीं है ना, तो इसीलिए हम यहाँ ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बेटा इसमें बोला है कुछ एक्सेप्शन केस, देखो मैंने इनकी बात करा था, जैसे इसने बोल दिया ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ क्या किया है इसने, इसको बना दिया सिंगुलर, ठीक है, यहाँ ये काउंटेबल हो कर दिया इसने, ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास, तो यहाँ पर क्या बेटा यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ए पीस ऑफ इट, स्टॉक ऑफ चॉक्स, ठीक है, जैसे ए बिट ऑफ राइस, यानी इसने बोल दिया एक चावल का टुकड़ा, ठीक है, ए बैग ऑफ राइस, ठीक है, इस तरीके से और भी हैं जी, ठीक है, ए पीस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट रूल इज ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले नहीं होता है, ठीक है बेटा, जो चिल्ड्रन होता है आप उसे काउंट कर सकते हो नहीं ना, तो ये क्या है प्लूरल है, यानी एक से अधिक है आपका, बॉयज यानी एक से अधिक, अगर मैं यहाँ बात करूँ अगर बॉय होता, ठीक है, तो यहाँ पर यूज कर सकते थे, लेकिन इसने बोला क्या कंडीशन क्या दी इसने कि प्लूरल नाउन से पहले ए एन का यूज हम नहीं कर सकते। ऑक्सन, गर्ल्स, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियाँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, यानी खासकर प्लूरल नाउन से पहले यूज नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट रूल है ए एन का यूज, देखो बेटा कितना अच्छा रूल है यहाँ पर, हम काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, यानी ए एन का यूज हम नहीं करेंगे। बहुत सिंपल रूल है, समझने वाली बात है, काइंड ऑफ कहीं भी आता है, या सॉर्ट ऑफ आता है, टाइप ऑफ आता है, या वैरायटी ऑफ आता है, और उसके बाद क्या बेटा कोई भी अगर नाउन है तो उससे पहले हम ए और ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे ने बोला काइंड ऑफ ड्रेस, ठीक है, तो यहाँ बोल दिया काइंड ऑफ ड्रेस, नाउन है यहाँ पे आपकी ड्रेस यूज की गई है, लेकिन बेटा अगर यहाँ पर क्या है आप आर्टिकल, इसके बीच में आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हो। जैसे इसने बोला वैरायटी ऑफ सी, भेड़ की प्रजातियाँ, ठीक है बेटा, यहाँ पर आप आर्टिकल नहीं लगा सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ का अगर यूज होता है, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन से पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल इज फूड आइटम, यानी कि नेम ऑफ मील्स, जो हम खाना खाते हैं ना, जैसे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, टी लेते हैं, ब्रेकफास्ट, ये जो इनसे पहले क्या होता है बेटा ए एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, गिव ब्रेकफास्ट, ये सही है, अगर हम बोलते हैं यहाँ पर गिव ए ब्रेकफास्ट या एन ब्रेकफास्ट तो वो बेटा क्या होता हमारा गलत हो जाता। लेकिन इनका ध्यान रखिएगा कुछ वर्ब होती हैं, जैसे कि गिव है आपका एट,
ये कुछ प्रपोजिशन होते हैं, आफ्टर और बिफोर, हैव, बेटा इनके बाद क्या होता है, हमने सेम वही चीज़ बोली है कि ब्रेकफास्ट, ठीक है, डिनर, लंच, टी, ठीक है, वही चीज़ हमने एट के साथ यूज़ की है, वही आफ्टर के साथ यूज़ की है, वही बिफोर, वही हैव के साथ। अगर ये मील्स यानी नेम ऑफ मील्स खाने के अगर जो भी होते हैं अगर उनका यूज़ किया जाता है तो बेटा वहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, खासकर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन देखो इसमें एक्सेप्शन दिया गया है, लेकिन फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, जो नाउन की क्वालिफिकेशन बताता है, उसके बारे में क्वालिटी बताता है कि वो किस तरह की नाउन है, यानी उसकी बारे में बताएगा आपको। लेकिन फूड आइटम से पहले एडजेक्टिव का अगर यूज होता है तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग होता है। देखो इसने बोला यहाँ पर, जैसे बोला ए गुड डिनर, बेटा यहाँ बात की है डिनर की, और डिनर की क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं यहाँ पर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यूज़ किया गया है हमारा गुड। यहाँ देखिए, यहाँ पर नाइस, यहाँ देखिए ग्रेट, यहाँ देखिए ये बोला एडिशनल, ठीक है, ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये नाउन है, इसकी ये क्वालिफिकेशन बता रहा है, यहाँ सफ़र है, ये इसकी क्वालिफिकेशन बता रहा है, यानी इसकी क्वालिटी बता रहा है, यहाँ लंच है, लंच की ये बेटा विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट टूल इज ए एन, ए एन का यूज़ बेटा ये कुछ जैसे अभी हमने बताया था काइंड ऑफ साइट या वैरायटी ऑफ की तरह होता है, ये पा, ये आपकी पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ और पोजीशन ऑफ एंड जॉब ऑफ के बाद अगर नाउन से पहले बेटा हम आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने बताया यहाँ पर ये अगर वर्ड यूज़ किए जाते हैं जैसे कि पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो बेटा उससे पहले हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए विशेषकर। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, बेटा यहाँ बताया गया द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या है, देखिए पोस्ट ऑफ इसके बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ इसके बाद में क्या है कि नाउन, और नाउन से पहले हमको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर यूज़ कर देते ए या एन का तो बेटा वो हमारा हो जाता गलत, ठीक है। तो इस चीज़ का आप विशेष का ध्यान रखिएगा, अगर ये इनमें से कोई वर्ड यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट टूल इज ए एन का यूज़ सिर्फ एडजेक्टिव से पहले नहीं होता है, बेटा मैंने एडजेक्टिव के बारे में भी आपको बताया था, एडजेक्टिव क्या होता है, वो हमारे नाउन की विशेषता बताता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है ही इज़ एन ऑन अनेस्ट, बेटा यहाँ इसने एडजेक्टिव तो दे दिया, यहाँ भी देखो ही इज़ ऑनेस्ट, ये सही क्यों, क्योंकि इसमें आर्टिकल नहीं लगाया और इसमें आर्टिकल लगा दिया गया तो ये इसलिए गलत हो गया, और नीचे वाला बेटा सही, ये आर्टिकल इसमें आप लगा देते अगर इसके बाद बोला जाता ही इज़ एन ऑनेस्ट, इसके बाद अगर हम नाउन बोल देते जैसे कि हम इसके बोल देते बॉय, ठीक है, वो एक ईमानदार लड़का है तो ये बेटा सही हो जाता, लेकिन इसके बाद क्या हुआ है नाउन दी नहीं गई है तो इसीलिए ये एडजेक्टिव यूज़ किया गया। तो अगर सिर्फ एडजेक्टिव आता है किसी भी तो वहाँ पर हम ए और एन का यूज़ बेटा नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल इज ए एंड ए एन का यूज़ पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं होता है, इसका मीन्स होता है बेटा जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, अगर ये यूज़ किए जाते हैं और इनसे पहले, ठीक है, ए एन का भी पजेसिव नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन, इनके बाद अगर कोई नाउन यूज़ की जाती है तो उससे पहले बेटा कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें बोला है माई शर्ट, ठीक है, और इसके बाद नाउन यूज़ किया गया है शर्ट, इसमें आवर कंट्री, बेटा कंट्री यहाँ पर क्या नाउन यूज़ किया गया है, चेयर आपका, टीचर, पेन, फ्रॉक, ये बेटा आपके नाउन में, और नाउन से पहले क्या यूज़ किया गया यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, और बोला गया कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव होता है और उसके बाद अगर कोई नाउन आती है तो उससे पहले हम आर्टिकल का नो यूज़, ठीक है, यहाँ पर हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा क्या है आंसर गलत हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उलिस ए एन का प्रयोग हम डोमिनेस्टिव एडजेक्टिव के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं होता है। देखो इसने वही बोला है कि वहाँ पर पजेसिव था, यहाँ पर ये आपका डेमोनेस्ट्रिव है, ठीक है,
इसमें भी सेम बोला, अगर इसके बाद अगर कोई भी नाउन आती है तो उससे पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हमारे एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, द सेम, द अदर, एन अदर, एक्सलेशन, एनी, नो। ठीक है बेटा, अब यहाँ बोला गया दिस हाउस, तो हाउस क्या बेटा हमारा यहाँ पर नाउन है और नाउन से पहले यूज किया गया आपका ये दिस। ठीक है, यहाँ देखो ये दोस, ठीक है, ये क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद टॉय यूज किया गया आपका बेटा नाउन। और मैंने क्या इस रूल्स में क्या बताया गया कि अगर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है और उसके बाद अगर कोई नाउन आती है तो नाउन से पहले हम आर्टिकल का नो यूज। नेक्स्ट रूल इज ए एन का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन से पहले भी नहीं होता है। देखो सेम है उसी की तरह, ठीक है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ये नहीं है सर ने रूल डाल दिए 1 2 3 इस तरीके तो घबरा जाए भाई, रूल 24 पर आ गए अब भाई हम हमारे बस की नहीं। बेटा बहुत आसान होता है, देखो तीनों में सेम ही मिल रहा है। ठीक है, इसमें बताया गया था इसमें पजेसिव के लिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए और इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए बताया गया। ठीक है, इसके बाद अगर नाउन आता है तो नाउन से पहले हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते क्या है बेटा, इस, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं, एवरी गर्ल, नाइदर बॉय, ठीक है, इस पेन और आइदर रूम। बेटा यहाँ पर गर्ल क्या यूज़ किया आपका नाउन है, ठीक है, और नाउन से पहले क्या यूज़ किया गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट रूल यही है बच्चों, मैं इससे पहले 3 वीडियो वोकैब की डाल चुका हूँ, आप प्लीज़ उनको विजिट कीजिए और मेरा सभी से अनुरोध है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती या कुछ भी पूछना होता है तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दिया करें। और दोस्तों मेरे बोले ए और एन का प्रयोग निम्न फ्रेजेस में नहीं होता है बेटा, ये फ्रेजेस अगर आपको कहीं भी दिखाई देते हैं किसी भी, अगर मान लीजिए एरर डिटेक्शन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अगर आपसे पूछा जाता है या फिर आपका आर्टिकल से रिलेटिव अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको ये वहाँ पर फ्रेजेस दिखाई दे जाएँ तो प्लीज़ इनमें ए एन का यूज़ आप मत कीजिएगा। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं आपके क्या क्या यहाँ पर फ्रेजेस दिए गए हैं। जैसे बोला गया यहाँ पर फर्स्ट ऑल विंटर, ऑल वीक, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल ईयर, ऑल समर, ऑल इवनिंग। बेटा यहाँ पर ये ऑल के साथ यूज़ किया गया है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ट्रिकी है, इतना आसान है, देखो ऑल के साथ इन सब का यूज़ किया गया है, विंटर, वीक, सीजन की, डे का, ठीक है, इन सब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द डे, नेक्स्ट है गो टू द जू, गो टू द सिचुएशन, गो टू द एयरपोर्ट, एट डाउन, वाई डे एंड नाइट, एट डस्क, एट डेब्रिक, एट सनसेट एंड सरप्राइज। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, छात्रों, ये मेरी आज वीडियो का आज लास्ट रूल था और मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी मुझे आप बताओगे। और गाइस ऐसा नहीं है, हम ये वीडियो जो बनाता हूँ इसके लिए मुझे बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो आप इस तरीके से परेशानी ना मतलब परेशान ना हो के पता नहीं ये एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ कि ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।